सोलन में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। इस विरोध प्रदर्शन में जहां एक और मजदूर संगठनों ने भाग लिया, वहीं किसानों और कर्मचारियों ने भी भारी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस विरोध प्रदर्शन से यह संदेश देने का प्रयास किया गया कि भाजपा सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, आम जनता बेहद दुखी है, किसान मजदूर और कर्मचारी सड़कों पर है और पूंजीपति आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। किसान मजदूर और कर्मचारियों की आवाज दबाने के लिए नए नए कानून और नियम बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को संरक्षण दिया जा रहा है। यही वजह है कि आज सभी का गुस्सा केंद्र सरकार के खिलाफ फूटा है और सड़कों पर उतरने को सभी मजबूर हुए हैं। इस मौके पर इंटक के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश भारद्वाज ने कहा कि भाजपा द्वारा श्रम कानूनों को बदला गया है और किसानों पर काले कानूनों को लादा गया है, जिसका वे पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। इसलिए हिमाचल की 10 ट्रेड यूनियनों ने धरना प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि देश में पूंजीपतियों की सरकार चल रही है, किसान और मजदूरों की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के विकास में मजदूर और किसान अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन आज ये दोनों अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं और भाजपा के शोषण का शिकार हो चुके हैं, लेकिन वे ऐसा कतई होने नहीं देंगे और उनका विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक कि केंद्र की सरकार इन काले कानूनों को वापस नहीं लेती है। मैं जगदीश चंद्र भारद्वाज, अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक, आज का प्रदर्शन जो है ये राष्ट्रव्यापी जो आंदोलन हो रहा है श्रम कानूनों को बदलने के खिलाफ और किसानों पर जो काला कानून लादा गया है उस कानून के खिलाफ आज का ये प्रदर्शन हो रहा है। हमने 100 वर्षों में 44 कानून इस देश में मजदूरों के लिए बनवाए, उसके लिए हम जेलों में गए, उसके लिए हमने काला पानी सहन किया, उसके लिए हमारे बुजुर्गों ने जेलें सहन करी, पुलिस के प्रहार सहन किए और आज ये मोदी की पूंजीपति सरकार ये इन कानूनों को बदलना चाहती है और हम उनको ये संदेश दे रहे हैं कि मजदूर वर्ग के साथ मत टकराओ। जिस मजदूर ने हिंदुस्तान को बनाया है, जिनका विकास में सबसे बड़ा हाथ है, उन मजदूरों के साथ अगर टकराओगे तो ये विकास की गति रुक जाएगी। हमारी मुख्य मांग है कि श्रम कानूनों को बहाल करो। हमारी दूसरी मांग है कि किसानों पर जो काला कानून लादा गया है उस कानून को वापस लो। तीसरी हमारी मांग है कि मोटर व्हीकल एक्ट जो है उसको ख़त्म करो। और हमारी चौथी मांग है ये जो पेट्रोल डीजल के दाम आप रोज बढ़ा रहे हैं और जिसके कारण हिंदुस्तान के अंदर महंगाई लगातार बढ़ रही है, उस महंगाई पर काबू करो। और अगर आप इस बात में सरकार असफल रहती है तो ये आंदोलन यहाँ रुकेगा नहीं, ये आंदोलन आगे बढ़ेगा और हिंदुस्तान का मजदूर इतना कमज़ोर नहीं है कि इस फासिस्ट सरकार से दब जाएगा। ये जो आज प्रदर्शन है, ये 10 जो केंद्रीय ट्रेड यूनियन है उनके आह्वान पे आज पूरे देश के अंदर हड़ताल का ऐलान किया गया और पूरे देश के अंदर 10 जो केंद्रीय ट्रेड यूनियन है वो हड़ताल पे है आज। और जो ये प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इस सरकार ने जितने भी श्रम कानून है उसके अंदर जो है बदलाव ही नहीं किया, बल्कि उन श्रम कानूनों को ख़त्म कर दिया गया है। काफ़ी सारे श्रम कानून को उसका विरोध जो है आज पूरे देश के अंदर जो है 10 केंद्रीय जो ट्रेड यूनियन है वो कर रही है। इसके साथ साथ जो दूसरी मांग जो है, जिसके अंदर किसान भी शामिल है, जो किसानों के 3 जो कानून बनाए गए हैं वो किसान विरोधी है, उसका भी जो है हम विरोध कर रहे हैं। आज पूरे देश के अंदर जो है ये हड़ताल का रूप के अंदर ये जो विरोध किया जा रहा है।